गुड आफ्टरनून एवरीवन। आईएसडीटी कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री नासिक की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार है जो है सनग्लासेस डिस्पेंसिंग के ऊपर। ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो जो हमें यूट्यूब लाइव से ज्वाइन हुए हैं, YouTube लाइव पे जब ये वेबिनार चलेगा तो आपको जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट जहाँ पे चलता है वहाँ पे आपके क्वेश्चंस डालिए। ये वेबिनार के एंडिंग में हम वो क्वेश्चंस लेंगे और उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी भी हमारे जो फैकल्टी है बट्टी सर, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Today's workshop is on sunglass dispensing. First of all, I will introduce myself. Myself, Karnit Singh Bhatti. I have total 13 to 14 year experience in optical field. I have done my graduation from Nasik College of Optometry. I have worked with several corporates like Alcon, GKB, Gangara Nations, as a regional and area manager for 12 to 13 years. So today, whatever we have the career is like we have to learn and grow. The same thing, I will utilize some point which will help to in the sunglass dispensing for you people. So we'll start. How to sell sunglasses. In the simple word, we can say how to sell sunglasses. So in optometric term, we say how to dispense the sunglasses. First question is, why wearing a sunglasses is most important? In the terms of the, when we come to sunglasses, so it protects, first important benefit is that it protects from ultraviolet lights, UV lights, from harmful, which affects our eyes, eyelid, the part of the eyes. So हमारी आँखों को protection देता है जो UV lights से, तो वो sunglasses पहनना इसीलिए ज़रूरी है। तो ये पहला reason है sunglass पहनने का, जो हम हमेशा recommend करते हैं। और second another reason to wear sunglasses. और दूसरा एक रीजन होता है कि सनग्लास आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आउटफिट। आउटफिट इन सेंस कि जब हम कोई पहरावा पहनते हैं तो सनग्लास हमें एक अलग लुक देता है। सनग्लास प्रोटेक्शन का काम तो अपनी जगह कर रहा है, सेकंड है कि वो हमारे लुक को, हमारी पर्सनैलिटी को किस तरीके से वो चेंज करता है। सो सनग्लासेस बेचने में और सनग्लास जब कस्टमर लेता है तो उसकी दो चीजें ध्यान में रहती है, एक तो प्रोटेक्शन, सेकेंड है फैशन। सो मोस्ट लास्ट 10 साल में, अब 10-15 साल में हमने देखा गया है कि प्रोटेक्शन के साथ साथ सनग्लासेस लग्जरी सेल में भी काउंट होता है और वो एक फैशन के दौर पे इंक्रीज हुआ है। सो फैशन के इस केस में हम देखते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, शाम को कहीं वॉक पे जा रहे हैं, बीचेस पे हैं, कार में ड्राइव, तो एक फैशन के दौर पे कूल सनग्लासेस भी पहनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, अपने सेलिब्रिटीज हैं जो अलग अलग तरीके के सनग्लासेस पहनते हैं मूवीज में, तो वो हमें फैशन, हमें मार्केट को उस फैशन की तरफ ले जाते हैं। तो दो चीजें हमने देखी, एक पहला रीजन था एक प्रोटेक्शन, जो हमारे हार्मफुल यूवी रेस, जो
सन से हमें आ रहे हैं उससे प्रोटेक्शन देगा। सेकंड होता है एक फैशन के दौर पे जो हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, हमारे लुक को चेंज करता है, एक स्टेटमेंट देता है। तो वो दो दो रीजन हमने सनग्लास के रहे। तो कस्टमर जब खरीदता है उसके माइंड में भी दो ही चीज होती है, वो प्रोटेक्शन और फैशन के दौर पे देखते हैं चीजों को। और हमें जब बेचना है तो हमें भी दो चीजों पे फोकस करना है कि उसके लुक पे कैसे जा रहा है, उसके फेस पे कैसे फिटिंग आ रहा है, और कंफर्ट कैसा है और प्रोटेक्शन कैसा है। सो अकॉर्डिंगली हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। कस्टमर लेने जो आया है वो तो लेना है, बट उसको हमें क्या बेस्ट देना है वो हम पे डिपेंड है कि उसके हिसाब से। तो आगे वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस टाइप्स के सनग्लास होते हैं और किस तरीके से वो अलग अलग हमें वैरायटीज आती है उसके अंदर। डिफरेंट शेप्स ऑफ शेड्स। सो इसमें आप देखोगे बहुत सारे, मैंने इसमें गिने चुने कुछ 8-9 शेप्स लिए हैं जो काफी रनिंग और काफी फैमिलियर रहेंगे, जैसे एविएटर है, कैट आई है, क्लब मास्टर, वेफेयर, ओवरसाइज्ड, आजकल फैशन चल रहा है राउंड वाला फैशन काफी है, और प्रोटेक्शन के हिसाब से शील्ड आते हैं, स्पोर्ट्स वाले बाइक साइकिल के लिए यूज होते हैं। सो ये सब शेप्स हैं। इन शेप्स को हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शेप किस हिसाब से बनाया गया है और किस हिसाब से वो हमारे चेहरे पे बेहतरीन सूट होता है। जब कस्टमर खरीदता है, कस्टमर क्या देखता है जब वो वॉक इन करता है हमारे पास, सनग्लास लेने के लिए आता है, तो वो तीन चीजें तो जरूर देखता है। एक स्टाइल कैसा है सनग्लास का, कंफर्टेबल कितना है, और ब्रांड कॉन्शियस। पिछले 10-15 साल में हम अगर देखेंगे तो ब्रांड कॉन्शियस भी है। लोग आते हैं तो जैसे सनग्लास तो ऐसा नहीं कहते हैं, कुछ ब्रांड जैसे फास्ट ट्रैक हुआ, रेबेन हुआ, तो लोग पूछते हैं कि भाई रेबेन का है, फास्टैग है। सो हमें उसके अकॉर्डिंगली उन्हें बताना है, ऐसा नहीं कि हमने सब ब्रांड ही रखने, पर कंफर्ट और स्टाइल भी कस्टमर देखते हैं। तो ये तीन चीजें हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि कस्टमर खरीदते वक्त वो क्या देखता है। तो ये एक स्टाइल, कंफर्ट और ब्रांड कॉन्शियस चीजें हैं। प्राइस विलिंग टू स्पेंड, मतलब कितना वो खर्च करना चाहते हैं, कितना वो खर्च कर सकते हैं। तो जनरली कस्टमर डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड ब्रांड्स। अगर कोई अच्छा लग्जरी ब्रांड है या फिर एक रेगुलर ब्रांड है बट क्वालिटी अच्छा है, तो एक कस्टमर जब खरीदने आता है तो वो 1,000 से लेके 15-20 हज़ार तक का सनग्लास खरीदता है, ले सकता है। जब हम अबव 7 से 8 हज़ार के ऊपर की सनग्लास की बात करें तो वो आते हैं ब्रांड्स में, जैसे रेबेन है, ओकली, बर्बरी, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो डिजाइनर होते हैं। अब सनग्लास इतने महंगे क्यों होते हैं? तो सनग्लास इसलिए महंगे होते हैं कि वो डिजाइनर, जैसे कोई फैशन डिजाइनर होता है, कोई उस हिसाब से उसका डिजाइन बनाया जाता है और यूनिक होता है, तो इसलिए वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। मटेरियल ऑब्वियसली वो काफी अच्छा यूज करेंगे तभी वो क्वालिटी मेंटेन रहेंगे। प्रोटेक्शन तो सनग्लासेस में जो भी हमें रखना है, भले वो 1,000 वाला हो या वो 15-20 हज़ार वाला हो, उसमें यूवी प्रोटेक्शन तो मस्ट है, सब सनग्लासेस में आना ही चाहिए। यूवी प्रोटेक्शन एंड द क्लैरिटी ऑफ द विजन, ये सब सनग्लासेस में आएगा। एंड डिपेंड ऑन स्टाइल एंड फैशन एंड मटेरियल, वो प्राइसेस डिफर करते हैं। तो कस्टमर 1,000 से लेके 15-20 हज़ार तक का चश्मा खरीदता है और ढूंढता है उस तरीके का। तो हमारे कैचमेंट एरिया में हमारे किस तरीके का कस्टमर है उसके हिसाब से हमें वो रखना है और उस तरीके से ही बेचना है। अभी जैसे हमने पहले वाले एक स्लाइड पहले हमने जो देखा था कि सनग्लासेस किस टाइप के, हमने एविएटर, वेफेयर, तो हम पहले एविएटर सनग्लासेस से देखते हैं। तो एविएटर सनग्लासेस जो है, दिस आर मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन सनग्लास स्टाइल, ये एक स्टाइल है। तो ये स्टाइल बॉश एंड लॉम्ब कंपनी ने 1936 में लॉन्च किया था। मोस्ट प्रेफरली पहले ये पायलट यूज करते थे। तो पायलट जब यूज करते थे तो उसको इसलिए एविएटर नाम दिया गया। और काफी सेलिब्रिटीज आप देखोगे मूवीज में, सीरियल्स में, या फिर बाहर भी कहीं, तो बहुत कॉमनली ये शेप यूज होता है और काफी अच्छे बहुत फेसेस पे ये लाइटली जाता है। तो एविएटर शेप इज मोस्ट फेमिलियर एंड मोस्ट स्टाइलिश शेप इन द सनग्लासेस।
एविएटर काफी थिन मटेरियल में बनता है, मेटल में देखोंगे थिन मेटल वायर में बनता है, एसीटेट में भी आजकल बनता है। जैसे वो पिक्चर में आप देखोगे थर्ड नंबर का पिक्चर है, तो वो प्लास्टिक में एसीटेट में बना हुआ एविएटर है। पहले दो पिक्चर आप देखोगे तो वो मेटल में बना हुआ है। सो अलग अलग मटेरियल में एविएटर सनग्लासेस बनते हैं और इलांगेटेड फेस के लिए काफी बेहतरीन अच्छा जाता है ये। तो एविएटर सनग्लास बेचने के लिए हमें कस्टमर को ज्यादा बोलने की या ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होता है, उनके चेहरे पे जो सूट होता है उसके हिसाब से हमें वो देना है। दो तो चीजें इसमें भी याद रखनी कि इसका जो फिटिंग है वो नोज पे काफी प्रॉपर बैठना चाहिए और आई 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 पीस प्रॉपरली उसके बैठना चाहिए, तो उस तभी उसका स्टाइल का और लुक आएगा। वेफरर सनग्लासेस सेकेंड शेप हम मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेमिलियर है वो वेफरर सनग्लासेस है। सो वेफरर सनग्लासेस द क्लासिक शेप हैज बीन इन 1952 इंट्रोड्यूस हुआ था ये, और एविएटर मैंने आपको बताया 1936 में। सो इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक वेफरर, मोस्ट ऑफ वेफरर ये मेटल में नहीं मिलेंगे आपको। वेफरर टिपिकल आप देखोगे तो जैसे पिक्चर में देख रहे हो लेडी ने पहना हुआ, प्लास्टिक या एसीटेट पॉली इन मटेरियल्स में वो बनता है। ये काफी डिफाइंड लुक देता है, पर्सनैलिटी के ऊपर काफी बोल्ड लुक देता है। तो मोस्ट ऑफ अभी सेलिब्रिटीज हॉलीवुड बॉलीवुड में आप देखोगे तो बोल्ड सनग्लासेस पहनते हैं ताकि आई कैचिंग बने। अगर क्लासिक लुक लेना है तो फिर आप वेफरर सनग्लासेस रिकमेंड कर सकते हैं उनको। वेफरर शेप्स के फ्रेम्स भी आते हैं, सनग्लासेस भी हैं, तो ये उस तरीके। और इसमें है कि जैसे एविएटर में हम देखेंगे नोज पैड होता है, नोज पैड मतलब जो ना नोज पे रेस्ट करता है, इसमें वो नहीं होता है, ये सीधा हमारी नोज पे बैठता है और पीछे कान की इधर काफी अच्छा ग्रिप मिलता है इनको, पूरा प्लास्टिक में बना हुआ है। सो जैसे आप पढ़ोगे वेफर सनग्लासेस क्लासिक शेप एंड हैज बीन बोर्न 1952, इट इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल, द फ्रेम आर एक्सेप्शनली लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल एंड कैन बी वोर थ्रू आउट डे विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन अ नोज। अभी नोज पे प्रेशर नहीं आएगा बिकॉज इसमें नोज पैड ही नहीं है, ठीक है। कैट आई सनग्लासेस, कैट आई सनग्लासेस आर अल्टीमेट इन 1950 और 60s में। ये जनरली शेप फीमेल शेप है, वुमन सनग्लासेस है ये सारे डिजाइन। जिस तरह से कैट आई हो या सेमी कैट आई हो, ये लेडीज सनग्लासेस कैटेगरी में काउंट होता है। कैट आई ये थोड़ा क्लासिक डिजाइन फीमेल्स के लिए है और वो हमेशा इसी तरीके का फैशन एसेसरीज की तरह इसको कैरी करते हैं। काफी स्टाइलिश हेयर स्टाइल है या फिर जैसा ड्रेसिंग सेंस है उसके हिसाब से हम उनको कैट आई रिकमेंड कर सकते हैं। जो ज्यादा स्टाइलिश और स्टाइल में रहते हैं उनको हम कैट आई रिकमेंड कर सकते हैं, और जो अपने आप को थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं तो उनमें ये शेप काफी अच्छा जाता है। मोस्ट ऑफ फेस पे ये शेप अच्छा दिखता है, फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों पे। द लास्ट पॉइंट, द बेस्ट थिंग अबाउट द कैट आई फ्रेम इज बीन वर्सलेट शेप, इट सूट्स ऑलमोस्ट ऑल शेप ऑफ द साइज सुटेबल फॉर बोथ फॉर्मल एंड कैजुअल ओकेजन। राउंड सनग्लासेस फैशन एक्सेसरीज ऑफ 1990 दैट मेक्स सब्सटेंशियली रिटर्न इन द फैशन वर्ल्ड विद द फेमस हॉलीवुड एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज स्पोर्टिंग द स्टाइल। अभी 1990 में ये स्टाइल एक वापस आया, जैसे राउंड सनग्लासेस। अब राउंड सनग्लासेस जनरली किसी भी सनग्लासेस का हमें अपडेट अगर लेना है कि क्या फैशन में चल रहा है या क्या फैशन में नहीं चल रहा है, तो दो चीजें हैं, एक तो हॉलीवुड है बॉलीवुड है या फिर सेलिब्रिटीज जो कोई पहनता है, कोई इवेंट्स हो रहा है वहां पे देखेंगे। जो बंदा अगर समझो कोई मूवी आया है किसी हीरो का, तो उसने अगर वो सनग्लास पहना है तो वो ट्रेंड में आ जाता है कि ये शेप है क्या। तो सेम चीज अभी आप राउंड का भी देखो, किसी अगर सेलिब्रिटी ने अगर पहना है तो वो फैशन में आता है और कस्टमर हमें वही चीज पूछता है कि ये वाला सनग्लास का शेप है या नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें हमें अपडेट रखनी होती है, अप टू डेट कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से कस्टमर डिमांड करता है। और जब कस्टमर आता है तो हमें देखना है कि उसके चेहरे पे भी राउंड का फैशन चल रहा है, बट राउंड सनग्लास क्या उसको सूट करेगा वो हमें उसको बताना है, सूट करेगा उसके क्या बेनिफिट्स है क्या ड्रॉबैक्स है वो हमें समझाना है। राउंड सनग्लास हैज बीन वर्सलेट शेप कम टू वेरियस साइज एंड फ्रेम, इसमें आपको काफी शेप्स और डिजाइन मिलेंगे। अभी एक पिक्चर में जो आप देखोगे लड़के ने पहना हुआ, वो शील्ड राउंड है, साइड से पूरा कवर्ड है,
लेदर के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है और एक फीमेल ने पहना हुआ है, क्लासिक राउंड है। तो क्लासिक राउंड का लुक डिफरेंट आता है, और ये जो शील्ड राउंड है उसका, इसमें भी मेटल और प्लास्टिक ये दोनों टाइप में बनता है राउंड सनग्लासेस। राउंड सनग्लास आर ग्रेट इफ यू आर गोइंग क्विकी आउट ऑफ द लुक। सो अगर आप जैसे कहीं पार्टीज में हैं, या कहीं कस्टमर कहीं पार्टी में जाता है, या कहीं फंक्शन अटेंड कर रहा है, और उसको अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लुक देना है। देखिए एविएटर और वेफरर हमने अभी तक देखे, कैटाई देखे, शेप, ये तीन शेप हमने, राउंड सनग्लास ही अपने आप में डिफरेंट स्टैंड करेगा। तो कस्टमर को हमेशा ये समझाना है कि भाई अगर आप राउंड ले रहे हो तो आप 10 में से जो 2 लोग हैं उनमें स्टैंड आउट करोगे, तभी राउंड सनग्लास का लुक उस तरीके से आना है। तो उस हिसाब से हमें ये समझाना है। ओवरसाइज सनग्लासेस, ओवरसाइज में दो तीन शेप्स आते हैं, जैसे फीमेल शेप में आता है बटरफ्लाई शेप। अभी बटरफ्लाई जैसे तितली के पंख होते हैं, थोड़े बड़े से होते हैं उस तरीके से, अभी अब सनग्लास देखोगे इमेज में तो उसका भी एक शेप उस तरीके से दिया गया है तितली की पंख की तरह। तो आप देखोगे इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है साइड से भी, और पूरे ओवरऑल स्किन स्किन आई के नीचे के स्किन को भी इसका प्रोटेक्शन मिलता है, और इसका हाइट लिम इवन शेप में होता है। इफ यू हैव एन एंगुलर फेस दे लुक बेटर बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट द लाइन वेरी वेल। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे जैसे आई का काफी सारा हिस्सा इसमें प्रोटेक्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ फीमेल ये प्रिफर करती हैं कि जिसमें आई का और आई के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा कवर हो। तो ओवरसाइज सनग्लास में हमने देखा बटरफ्लाई शेप, ओवल सनग्लासेस। अभी ओवल और बटरफ्लाई में थोड़ा फर्क है। तो ओवल सनग्लासेस ये है परिफिक अपने चेहरे पे सूट हो जाए और वो फिट हो जाए प्रॉपरली। बटरफ्लाई शेप जो हमने कहा वो हमारी आंखों की जरूरत से ज्यादा बड़ा है, आईब्रोज के ऊपर जाता है और चीक्स के नीचे आता है। ओवल में ऐसा नहीं है, ओवल इज द सनग्लास विद परफेक्ट शेप विच इज लुकिंग फ्रॉन्ट एंड क्लासी एलिगेंट स्टाइल। ओवल सनग्लासेस मेन और वुमेन दोनों में अवेलेबल होते हैं, और डिफरेंट शेप्स को काफी अच्छे दिखते हैं। मे बी राउंड शेप या रेक्टेंगुलर और द ट्राइंगल डायमंड शेप में ये काफी बेहतरीन दिखेंगे सनग्लासेस। रेक्टेंगल सनग्लासेस ऑफ ब्लोड द बोल्ड एंड एजी डिजाइंस ऑफ रेक्टेंगल सनग्लास मेक इट्स मोर अपेलिंग एंड ग्लैमरस कंपेयर टू अदर सनग्लास फ्रेम। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी चौड़ाई और हाइट थोड़ी कम होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है, इसका लुक जो आता है सनग्लास का चेहरा ज्यादा और सनग्लास थोड़ा छोटा दिखता है इसमें, बट इसमें शार्प और क्लियर इमेज दिखती है हमें। रेक्टेंगल सनग्लास कवर्स आई कम्प्लीटली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्नर ऑफ द आईज एज वेल एंड द सेफ गार्ड ऑफ द आईज एंड ग्लेयर। सो इसमें क्या है कि काफी बड़ा हिस्सा हमारा चेहरे का पूरा कवर होता है इसमें, आई की एजेस भी, ताकि उससे लुक और भी क्लासिक आता है। जैसे आप नीचे दिए हुए पिक्चर में देखोगे तो इसमें आप साइड से भी आंखें इतनी नहीं दिखेंगी इसमें रेक्टेंगल शेप में। अभी ये जो शेप्स हमने डिस्कस करें, तो इसके अंदर हमने एविएटर सनग्लासेस देखे, वेफरर देखे, ओवल, राउंड एंड रेक्टेंगल सनग्लास देखे। ये तो हमारे शेप्स की बात होगी, हमें जिस हिसाब से सनग्लास पसंद कस्टमर को करना है, कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा हमें उसको समझाना है कि किस हिसाब से। पर इसकी जो मेन पर्पस है, जैसे हमने पहला रीजन देखा था हम सनग्लास क्यों पहनते हैं, तो वो प्रोटेक्शन के हिसाब से पहनते हैं, और हमारा दूसरा रीजन था कि वो हमारे आउटफिट और स्टाइल और फैशन को मैच करता है, तो कस्टमर भी देखता है कि स्टाइल और कम्फर्ट कैसा है। तो अभी तक हमने जितनी बात करी वो स्टाइल और फैशन की बात करी, हम पॉइंट्स पे आते हैं कि सनग्लास का एक्चुअल उसका जो कलर होता है, लेंस का जो कलर होता है, उसमें हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा कस्टमर को, ये हमें उसको समझाना है। तो ये चीज कस्टमर को नहीं पता होती अभी तक। जितनी हमने स्लाइड देखी वो शेप्स देखे, वो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का सेलिब्रिटीज पहनता है, कोई मूवी में आया वो ट्रेंड बन गया और कस्टमर वो डिमांड करता है कि ये शेप है वो शेप है, तो हमें उसके हिसाब से वो स्टॉक भी रखना है और वो हिसाब से हमें कस्टमर को बताना भी है कि ये चल रहा है। बट उसके अंदर की चीज जो सनग्लास का प्रोटेक्शन देता है हमें, सन से प्रोटेक्शन देता है, हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है, वो ये टिंट, वो जो सनग्लास का लेंस है वो काम करता है। तो
तो अभी हम देखेंगे टिंट और उसका पर्पस, कि ये जिस कलर का वो सनग्लास है, जिस टिंट का वो लेंस है, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे फैमिलियर नाम है रेबेन, रेबेन में आता है G15 लेंस। अब G15 लेंस क्या है? तो G15 लेंस ये एक ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर और उनका एक 15 का फॉर्मूला है। तो G15 क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ग्रीन, एक हरा और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन को G15 कहा गया है, जो काफी कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अगर कूलिंग अगर किसी को अगर चाहिए तो G15 से बेहतरीन कूलिंग कोई सनग्लास नहीं देता, कोई लेंस नहीं देता है सनग्लास का। ए गुड ऑप्शन ऑफ सनग्लास टू रिड्यूस ग्लेयर एंड रिड्यूस द आई स्ट्रेंथ, ब्राइट लाइट को पूरा कम करता है और वो रिड्यूस भी ग्लेयर करता है। इसलिए रेबेन के मोस्ट ऑफ एविएटर वेफेयर रेबेन का हर जगह आपको देखेंगे तो G15 लेंस मिलेगा उसमें, क्योंकि वो कूलिंग ग्लासेस हैं, काफी अच्छे हैं और बेहतरीन भी है। सेकेंड टिंट है ब्राउन। तो आफ्टर ग्रे, आफ्टर ग्रीन एंड ग्रे, एक ब्राउन टिंट है जो सबसे ज्यादा सनग्लासेस में चलता है। अभी देखिए, इस हमें कस्टमर को जब हम वैल्यू ऐड करेंगे, हम उसकी बेनिफिट की बात करेंगे कि आप ये वाला लेंस दीजिए, ये अच्छा दिख रहा है आपके चेहरे, बट आप ये वाला लेंगे, आपका पर्पज ऐसे ऐसे सॉल्व होना है। तो जिस तरीके से हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें आपको बताना है। अगर ब्राउन टिंट सनग्लास है या कस्टमर को हमें ब्राउन टिंट देना है, तो उसको हमें ये जनरल पर्पस बताने होंगे कि ब्राउन लाइट जो है, ब्राउन लेंस, वो इट एब्जॉर्ब द ब्लू एंड हायर पोर्शन ऑफ येलो देन कंपेयर कॉमनली यूज्ड इंप्रूविंग कॉन्ट्रास्ट। अब ब्राउन ग्लास आप देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है, जनरली शाम के वक्त इवनिंग में हमें एम्बर कलर लेंसेस या ब्राउन टिंट अगर देते हैं तो उससे उनका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है। लो लाइट कंडीशन में भी ये लेंस काफी अच्छा परफॉर्म करता है। स्मोगी डेज, अब देख सेकंड पॉइंट है, कॉमनली यूज्ड टू इंप्रूव कॉन्ट्रास्ट ऑन ब्राइट हेजी एंड स्मोगी डेज। स्मोगी डेज है, फॉग है, थोड़ा सा धूप कम है, बट हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो ये ब्राउन लेंस इंक्रीज करेगा। सो इट इज एक्सलेंट कॉन्ट्रास्ट एनहांसिंग फिल्टर, वेरी मच सुटेबल फॉर सन प्रोटेक्शन। सन से प्रोटेक्शन मिलेगा प्लस आपका कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज करेगा, ब्राउन लेंस कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा, ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है। इट इज द एक्सेलेंट कॉन्ट्रास्ट एनहांसिंग फिल्टर। ग्रीन टिंट मटेरियल इज फिरो ऑक्साइड मटेरियल। अब ये ग्रीन टिंट क्या होता है, ग्रीन टिंट क्यों यूज होता है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलर बार। अर्लियर पॉपुलर मिलिट्री एंड पायलट्स ये लोग ज्यादा यूज करते थे। इट एब्सॉर्ब्स अ गुड इंफ्रारेड रेज आल्सो। यूवी रेज हमने सुना, इंफ्रारेड ये यूवी के आगे के रेज होते हैं जो वो भी एब्सॉर्ब करता है ग्रीन टिंट। अभी जैसे ये सारे कलर का अलग अलग बेनिफिट क्यों है, जैसे हमने देखा लाइट में भी 7 कलर होते हैं। लाइट में जैसे 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, रेड। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब का फिल्टर हम लाइट के सामने लगाएंगे वो उस पर रिएक्ट करता है। हमने G15 लगाया ग्रे ग्रीन का तो उसका ब्राइटनेस कम करेगा वो लाइट का। ब्राउन टिंट लगाया तो वो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है। ग्रीन टिंट ही नेचुरल कलर देता है, इट्स मोर एन इंफ्रारेड ऑब्जर्वर। ठीक है, ग्रे टिंट इट्स अ न्यूट्रल लेंस। ग्रे टिंट जो होता है ये न्यूट्रल लेंस है। न्यूट्रल लेंस मतलब ये ना हमारा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा, ना हमारा जो हम चीज देख रहे हैं व्हाइट है तो व्हाइट ही दिखनी है वो, ना कि वो कलर चेंज करेगा। जनरली दूसरे सनग्लासेस के टिंट में हम देखते हैं तो उसका वो कलर चेंज हो जाता है, कि कॉन्ट्रास्ट पीछे का चेंज हो जाता है। ग्रे में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट पॉपुलर फॉर द सनग्लासेस ग्रे टिंट। आप देखोगे कि हमारे शेल्फ में, हमारे स्टॉक में 100 सनग्लास हैं, तो 100 में से 80 या 70 सनग्लासेस आप देखोगे तो ग्रे टिंट में मिलेंगे। ग्रीन और G15 ये जो है ये रेबेन या फिर कोई ब्रांडेड सनग्लास में आपको मोस्ट ऑफ मिलेंगे, वरना ग्रे टिंट ये मोस्ट ऑफ सनग्लासेस में, अदर सनग्लासेस में मिलते हैं। ग्रे टिंट इवन इज ऑफ द ट्रांसमिशन थ्रू होल विजिबल स्पेक्ट्रम, ऑल ऑफ कलर टू बी सीन देयर नेचुरल स्टेट एंड रिलेटिवली टू वन अनदर। तो ग्रे टिंट ये लाइट को पूरा अलाउ करता है, स्पेक्ट्रम को जो मैं अभी बात कर रहा था, विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट में वो 7 कलर होते हैं, वो सब कलर को पास करता है, इसलिए हमें नेचुरल न्यूट्रल लेंस होता है, नेचुरल विजन भी दिखता है, ना कि उसका बैकग्राउंड चेंज हो।
Halotin, it also called the एस्कलिन क्रोम्स और क्रोमियम ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ये सब मटेरियल है जो मटेरियल से ये लेंस बनता है और उसको वो कलर आता है। लेंस दो तीन तरीके से बनता है, एक होता है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें वो मटेरियल डाला जाता है, या फिर उसको डाय बना के उसमें डीप किया जाता है तब जाके वो टिंट आता है। तो ये जो कहीं कहीं मैंने आपको मटेरियल के नाम दिए थे, वो मटेरियल जो है ये टिंट देता है लेंस को। Are used to give yellow tint filter. Sometimes uranium oxide also used. It absorbs short visible wavelength. अभी short और long ये दो wavelength होती है हमारे light के अंदर. These lenses are traditionally used for shooting purpose. अभी shooting purpose के लिए use होता था yellow lenses. आप देखोगे काफी जगह yellow lenses, जैसे ब्राउन लेंस में मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि वो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है, सो येलो टिंट अगर आप पहनोगे दिन में तो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते हो येलो, क्योंकि वो और ज्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देगा। इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में येलो टिंट रिकमेंडेड होता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट भी काफी अच्छा होता है, विजिबिलिटी भी क्लियर होता है। सो शॉर्ट शूटिंग के लिए ये यूज होते हैं येलो टिंट। सेकेंड रेड टिंट ये मटेरियल सिलेनियम से होता है। रेड टिंट यूज फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफिशियंसी, इसमें स्कीइंग, हंटिंग, ये जो दो तीन चीजें हैं मतलब हम करते हैं, जैसे हंटिंग हुआ, स्कीइंग हुआ, शार्पली डिफाइंड, तो रेड टिंट वहां पे यूज होता है। जिनका प्रोफेशन जैसे कोई फॉरेस्ट में जाते हैं, हंटिंग का शौक रखते हैं या सिंकिंग का शौक रखते हैं, तो उनका शार्पली कॉन्ट्रास्ट डिफाइन करता है, तो रेड टिंट के लेंस यूज होते हैं, तो ये काफी बेहतरीन देते हैं। अभी स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे तो एक रेड मिरर कोट वाले सनग्लासेस आते हैं, तो रेड टिंट या रेड मिरर कोट की वजह से क्या होता है कि उनका कॉन्ट्रास्ट काफी डिफाइन हो जाता है, शार्प डिफाइन होता है। पर्पल अलाउ 70% ऑफ विजिबल लाइट ट्रांसमिट एंड 20% आउटसाइड ऑफ नेचुरल परसेप्शन ऑफ आई शेडिंग। ये सब पर्पल टिंट बहुत रेयर यूज होता है, जनरली 70% विजिबल लाइट का ट्रांसमिशन करता है, तो लाइट ट्रांसमिशन की वजह से हमें क्लैरिटी भी और मिलती है। पिंक टिंट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेटेड रेड, सीरियम इज एडेड टू बैच एंड पिंकिश टिंट इज स्वीटेस्ट कलर। पिंक मे बी द कलर ऑफ चॉइस व्हेन सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फॉर इंडोर वर्क। पिंक टिंट सनग्लास जनरली सनग्लासेस में बाहर की तरफ तो यूज नहीं होते हैं, अगर होते भी दो तीन मॉडल्स में आते हैं, दो तीन ब्रांड्स में आते हैं, बट जनरली वो जैसे इवनिंग टाइम में कहीं हमें पार्टीज है या फिर एक स्वीटेस्ट कलर है तो उसके हिसाब से ये रिकमेंड करते हैं। ब्लू टिंट ऑल्सो कॉल्ड द अल्फा, ब्लू टिंट को अल्फा भी कहते हैं, यूज इन एफेकिक टू रिड्यूस ग्लेयर प्रॉब्लम। एफेकिक मतलब जिनका हमें आएगा लेंस निकाल देते हैं तो उनको डायरेक्ट लाइट बहुत पास होता है, उस केस में हम ब्लू टिंट अगर देते हैं तो ग्लेयर रिड्यूस करता है। ऑल्सो टू ऑब्जर्व द ब्लू एंड स्पेक्ट्रम विच द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट लाइट ब्लू ग्लास, ब्लू टिंट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर आउटडोर। तो ब्लू लेंस जो है बाहर रिकमेंडेड नहीं है। ब्लू टिंट अगर किसी किसी सनग्लासेस में आते हैं, आउटडोर सनग्लासेस में भी आते हैं, बट ब्लू टिंट ट्रिपली अगर लाइट शेड है तो वो आउटडोर के लिए रिकमेंडेड नहीं होते हैं। सो हमने टिंट और उनके पर्पस देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिंट, जैसे G15 टिंट, ब्राउन टिंट, ग्रीन टिंट, ग्रे टिंट, येलो टिंट, रेड टिंट है, पर्पल, पिंक एंड ब्लू। तो इन सब के रिस्पेक्टिव उनके फ्यूचर्स हैं जो हमें समझने हैं और हमें कस्टमर को हमारे लैंग्वेज में समझाना है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अगर जब हम उसे समझाते हैं कि आप ब्लू नहीं पिंक लीजिए, आपका ये काम हो सकता है, आपका कितना काम बाहर है, वो कितना ट्रैवल करते हैं, वो कितना बाहर ड्राइविंग में होता है, 70% उनका अगर आउटसाइड है और 30% इंडोर काम है तो उनको किस हिसाब से हमें बताना है। अगर उनका मैक्सिमम काम बाहर के साइड है या फिर उनका मैक्सिमम कोई इंजीनियर है जो साइट पे ही काम करते हैं, उनको ग्रेट इंडस्ट्री ग्रेट इंडियन न्यूट्रल लेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्पेंसिंग की जब हम बात करते हैं सनग्लास डिस्पेंसिंग की, तो वी शुड टॉक, हम हमेशा एक टेक्निकल बातें
करनी चाहिए कस्टमर से, ताकि उसको लगे कि ये प्रोटेक्शन की ज्यादा बात कर रहे हैं। और फैशन में तो हमें बताना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने कलीग्स या फिर अपने फैमिली मेंबर को साथ में लाते हैं फैशन के हिसाब से पसंद करवाने के लिए। हाँ, हमेशा हम कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, सर ये नहीं सूट हो रहा है, ये सूट हो रहा है, बट लास्ट चॉइस फैशन के हिसाब से उनका होता है। बट प्रोटेक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे, जो टिंट का पर्पज है, उनके प्रोफेशन का पर्पज है, वो हमको बताना है। तो जब हम ये चीजें उनको बताएंगे, नहीं ग्रे टिंट है इससे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, ये ब्राउन टिंट है इससे कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा, तो दे विल नो कि हाँ मैं सही जगह से सनग्लासेस ले रहा हूँ, सही बंदे हमें वो सनग्लास प्रोटेक्शन के साथ दे रहे हैं। तो वो कस्टमर हमेशा अपने से जुड़ा रहेगा जब हम उसकी फायदे की बात करते हैं। सनग्लास बेचने के लिए तो काफी लोग हैं, बट जब हम इन चीजों की बातें करते हैं तो कस्टमर के ध्यान में रहता है कि इसने दो बातें हमें एक्स्ट्रा बताई थी जो मेरे प्रीवियस परचेस में या फिर आगे मिले ना मिले, तो वो जरूर हमें याद रखता है। कस्टमर से कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। कनेक्ट तभी बनेगा जब हम उसके फायदे की बात करेंगे। फायदा उसका एक ही चीज का हो सकता है, जब वो हमारे पास आ रहा है सनग्लास के लिए तो आई प्रोटेक्शन, तो आई प्रोटेक्शन के बारे में ही हमें उससे बात करनी है। तो आई प्रोटेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ये जो टिंट है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, उसको कस्टमर को क्या क्या फायदा होना है, वो इस हिसाब से इसको हमें समझाना है कस्टमर को। अभी हमने देखे डिफरेंट क्यों सनग्लास लेता है कस्टमर। कस्टमर जब सनग्लास लेता है तो क्या क्या चीजें होती है, वो क्या क्या चीजें देखता है। सो उसके अंदर के टिंट मैंने बताया, उसके अंदर के शेप्स हमने देखे, जो फेमिलियर शेप है, जो रनिंग शेप्स है वो। सबसे जब हम ऑप्टिकल में सनग्लास की बात करते हैं, देखिए सनग्लास पिछले 10-15 साल में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चला गया। जैसे मेट्रो सिटीज में देखोगे या बड़े शहरों में देखोगे तो वो सनग्लास एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए, जहाँ ऑप्टिकल में नहीं बिकते हैं वो, कहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में बिकते हैं, तो वहाँ पे लोग सनग्लास की तरह फैशन की दौर पे बेचते हैं। बट जब हम ऑप्टिकल की बात करते हैं तो हमारे हाथ में क्या आता है, जैसे कस्टमर आता है चश्मे के लिए, तो पावर सनग्लास हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये कोई और नहीं दे सकता, वो स्किल्ड पर्सन ही दे सकता है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। जब हम उसको पावर सनग्लास बताते हैं तो उसके साथ बिना पावर वाला सनग्लास भी जा सकता है उसके फैमिली कलीग्स के लिए। तो पावर सनग्लास डिस्पेंस करने के लिए वो कॉन्फिडेंस, और उस तरीके से आजकल बहुत वैरायटी, बहुत ब्रॉड ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। कर्वेचर वाले सनग्लास हो, फ्लैट हो, फुल हो, एविएट हो, सब में हर तरीके का लेंस, सिंगल विजन, प्रोग्रेसिव, बाइफोकल, सब लेंसेस फिट होते हैं। पहले काफी रिस्ट्रिक्शन होता था कि हम पावर सनग्लास में ये नहीं पावर, वो पावर, बट अब बहुत सारी वैरायटीज है। इवन द ब्रांड्स में रेबेन, ओरिजिनल रेबेन में रेबेन के सनग्लास बना के मिलते हैं, ओकली में भी ओरिजिनल ओकलीज के सनग्लास बना के मिलते हैं। सो डिपेंड कि इतने ब्रांड में भी और नॉन ब्रांड में भी हम ये बना के दे सकते हैं। ये जो स्किल है ये हमें कस्टमर को हमेशा बताना, ये एडिशनल हमारा सेल जनरेट कर सकता है। अगर कोई चश्मा लेना है, चश्मा तो हमें उसे दे दिया, बट उसको हम पावर सनग्लासेस की अगर बात बताएंगे, उसको हम समझाएंगे कि उसका बेनिफिट क्या है, तो वो जरूर एक एडिशनल पेयर लेने की सोचेगा, और वो लेता भी है। अब 10 लोग हैं तो उसमें से एटलीस्ट 10 लोगों को हमने समझाया, एटलीस्ट 2 लोग लेंगे तो एक्स्ट्रा हमारे 2 सनग्लास जाएंगे। तो ये सेलिंग स्किल जो है, मल्टीपल स्केलिंग सेल करना, ये हमें पावर सनग्लास काफी अच्छे से दे सकता है। तो पावर सनग्लास स्पेशली डिजाइन टू एनहांस योर विजन, हमारी विजन करेक्शन जो है, जो हम नॉर्मल चश्मे से देख रहे हैं उसको हमें अगर सनग्लास भी पहनने की इच्छा रखते हैं तो सनग्लास में वो पावर बना के मिल सकता है। कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस देना है हमें। यूवी रेडिएशन, उससे बेनिफिट ये है कि जब भी वो बाहर जाता है, समर है या बाहर जाना है, तो उसका जो सन बर्न है, उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो उस चश्मे में नहीं मिलेगा। चश्मे में सिर्फ विजन करेक्शन मिलना है, बट उसको सनग्लास में जो प्रोटेक्शन मिलेगा विद पावर हम उसको दे सकते हैं। सो ये हमें उसको समझाना है, और ये यूनिक चीज हमारी हो सकती है अगर हमें ये चीजें करनी है। तो पावर पोलराइज सनग्लास आर ऑल्सो अवेलेबल। देखिए पोलराइज की बात अभी तक नहीं की, आने वाले स्लाइड में हम पोलराइज की बात करेंगे कि पोलराइज सनग्लास क्या होता है, बट हम पावर की बात कर रहे हैं। जब RX की बात कर रहे हैं तो इसमें पोलराइज सनग्लास भी मिलते हैं। बस इसमें इतना है कि पावर, दो चीजों को ध्यान रखना है कि जिसे फुल फ्रेम जो होता है उसके अंदर ही पोलराइज सनग्लास लेना है, क्योंकि पोलराइज एक फिल्म होती है लेंस के अंदर,
उसको हम कटिंग एजिंग नहीं कर सकते हैं, क्या फिल्म फटने का डर होता है। तो पोलरिस में सुपरा या हाफ रिमलेस सनग्लास नहीं देना है, फुल फ्रेम में ही देना है। पोलरिस के काफी एडवांटेज है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इट्स जनरली एक समरी में मैं आपको बताता हूँ कि ये पोलराइज हॉरिजॉन्टल रेस कट करता है, जो रिफ्लेक्शन डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्ट को लग के, तो वो ग्लेयर रिडक्शन करता है पोलराइज। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट बाउंसिंग बैक द रिफ्लेक्टिव सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट लग के और हमारी आंखों में आता है तो वो पोलराइज लेंस कट करता है। जनरली पोलराइज हम उनको रिकमेंड करते हैं जो स्नो, सैंड, वाटर, कॉन्क्रीट, इन जगह ज्यादा आना जाना होता है या उस प्लेसेस पे वो काम करते हैं, तो वहां पे वो दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। कवर सनग्लासेस आर अवेलेबल इन ऑल टाइप द लेंस मटेरियल इंक्लूडिंग पॉलीकार्बोनेट, फोटोक्रोमेटिक, हाई इंडेक्स, ट्राइवेक्स, रेगुलर, सीआर प्लास्टिक एंड ग्लास, सभी तरीके के मटेरियल में ये मिलता है। द स्टाइलिंग ऑफ पावर सनग्लास फ्रेम कम्स इन द फैशंस, डिजाइनर सेलिब्रिटी ऑप्शन इन केस वेपर ऑन सनग्लासेस हैवली ड्यू टू कर्वेचर। सनग्लास जब हम पावर वाला देते हैं तो इसमें कर्वेचर का एक लिमिटेशन आता है, दो काफी ब्रॉड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इसमें रैप अराउंड वाले में थोड़े रिस्ट्रिक्शन आते हैं, ज्यादा हाई पावर हम नहीं दे सकते क्योंकि इस पर डिस्टॉर्शन या फिर विजन क्लैरिटी उतनी नहीं मिलती है। तो पावर सनग्लास डिस्पेंस करते वक्त हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जितने ऑप्शन ब्रॉड ऑप्शन स्पेक्टिकल फ्रेम में अवेलेबल है उतने सनग्लास में नहीं है, बट यस 70-80% ऑप्शन अवेलेबल है, एंड दिस यूनिक पॉइंट कैन मेक अस डिफरेंस कि हमें बाकी सनग्लास बेचने वालों से हम कैसे ही डिफरेंस कर सकते हैं, हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो चीजें ये पावर सनग्लास हमें दे सकता है। पोलराइज सनग्लास, पोलराइज कट्स द हॉरिजॉन्टल रेस कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हेंस रिड्यूस द ग्लेयर एंड प्रोवाइड क्लियर। अब इस पिक्चर में आप देखोगे तो एक लेफ्ट साइड वाला पिक्चर आप देखोगे जिसमें ग्लेयर है काफी, जो विदाउट पोलराइज है, और एक राइट साइड में देखोगे तो इसमें सड़क पूरी क्लियर दिख रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लेयर आ रहा है, जैसे सूरज से जो किरण आ रही है वो जो रास्ते पे लगती है तो रिफ्लेक्शन निकलता है, तो वो जिसकी वजह से हमें इमेज क्लियर नहीं दिखते हैं सामने की, तो इसको वो हॉरिजॉन्टल रेस कट करते हैं, लाइट को एक ही डायरेक्शन में पास करता है पोलराइज फिल्टर, ताकि वो हमें रिड्यूस क्लियर करे और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करे उसका और क्लियर विजन मिले। तो पोलराइज सनग्लासेस, ये जितने शेप हमने देखे, एविएटर, वेफरे, राउंड, बटरफ्लाई, वॉट एवर द शेप्स हमने देखे, सारे शेप्स में पोलराइज लेंसेस आते हैं, और पोलराइज सनग्लास ग्रे, ब्राउन और ग्रीन इन टिंट में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पोलराइज में ये कलर नहीं मिलेगा, पोलराइज में ये शेप नहीं मिलेगा, पोलराइज सब शेप्स में और सारे कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन, पिक योर फेवरेट स्टाइल डिजाइनर सनग्लासेस दैट सूट योर फेस शेप, अबव इंफॉर्मेशन हेल्प टू सिलेक्ट राइट पेयर ऑफ सनग्लास विद डिफरेंट स्टाइल गेस। Always offer a customer best collection of sunglasses that suits the face shapes and also the outfit. देखिए, पूरे हमने इसमें जानने की कोशिश की किस किस स्टाइल के ये हमें सनग्लास आते हैं, किस तरीके का वो फैशन है, बट हमें जब भी कस्टमर को रिकमेंड करना है वी हैव टू बी वेरी फेयर, हमें उनको बताना है कि किस तरीके का शेप उनको सूट कर रहा है, उनके फेस के हिसाब से, उनके आउटफिट के हिसाब से, उनके पहरावे के हिसाब से और उनके प्राइस बजट में, उनका जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें हमें वो रिकमेंड करना है उनको कि ये सनग्लास उनको बेस्ट रहेगा। और ये प्रोटेक्शन जो हमने टिंट की बात की कि ये टिंट में ये प्रोटेक्शन है, ये उसका ये कलर का ये फंक्शन है, उस हिसाब से उनको वो समझाना है कि ये उनके बेनिफिट की बात है। देखिए, अगर वो हैप्पी और कंटेंट रहेंगे कस्टमर, उनको वो अच्छा लगा, तो जो सनग्लास वो पहन के अपने चार फ्रेंड सर्कल्स में जाएंगे तो वो भी पूछेंगे काफी अच्छा सनग्लास है, कहाँ से लिया, तो जरूर हमको रिकमेंड करेंगे। तो ये एक एडिशनल सेल जनरेट करने का तरीका है, हमेशा सिर्फ कस्टमर आया और उसको दे दिया ऐसा नहीं, उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरीके से उसको बेनिफिट समझाएंगे सनग्लासेस के। वो कोई दो तरीके के कस्टमर बताए, एक फैशन के हिसाब से आता है, एक प्रोटेक्शन के हिसाब से आता है।
तो फैशन वाले को तो हमें बताना नहीं, क्योंकि वो तो उसके पसंद से है, या उसके फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल उसको बताते हैं ये अच्छा दिख रहा है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, पर उसको हम उसके बेनिफिट जो है लेंस के वो जरूर समझा सकते हैं, तो हमेशा उसको उस तरीके से बताना है। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछे। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वर्कशॉप। एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, व्हाट इज शेड नंबर इन सनग्लासेस? सॉरी, व्हाट इज शेड नंबर इन सनग्लासेस? शेप नंबर, शेड नंबर, शेड नंबर, यस। शायद कुछ इनका स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, बट ऐसा लिखा है शेड नंबर। एक सेकंड, शेड नंबर एज सच नहीं है, शेड मतलब डिफरेंट टाइप के शेड्स आते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक सनग्लासेस जो ब्रांड्स के आते हैं, तो जहां तक हम देखते हैं जैसे अभी रेबेन का कोई मॉडल अगर मैं लू 3025001, तो अभी ये 001 है, रिस्पेक्टिव कंपनी रिस्पेक्टिव ब्रांड 001 वो उसका कोड हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो अगर रेबेन ने ग्रीन को 001 कहा है तो फास्ट ट्रैक भी 001 को ग्रीन कहेगा, रिस्पेक्टिव कंपनी अपने हिसाब से वो कोड बना सकती है, शेड को नंबर दे सकती है, उसका एज सच कोई राइट हैंड रूल नहीं है। शेड नंबर जो आता है सनग्लास पे लिखा हुआ वो रिस्पेक्टिव ब्रांड का रिस्पेक्टिव डिसाइडेड करती है कंपनी, बट ऐसा कहीं कहीं राइट हैंड रूल नहीं है कि ग्रीन कलर को 001 कहना है या फिर ये। यही सवाल है या शेड नंबर कुछ और पूछ रहे हैं? हेलो, यस, यही कमेंट है सर, शायद इनका यही क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन है, पोलराइज लेंसेस कैसे काम करती है, कैसे काम में आता है? पोलराइज लेंसेज, जैसे हमने बताया कि पोलराइज लेंसेज ये ग्लेयर रिड्यूस करता है। yes. दो तरीके से लाइट आता है आंखों पे, लाइट एक सीधा हमारी आंखों में आता है सन से, या सेकेंड होता है सन से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कार का डैशबोर्ड हुआ या फिर किसी स्टोन पे सैंड पे आइस पे गिर के सनग्लास का जो सन लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आंखों में आता है तो वो ऑब्जेक्ट से ग्लेयर आता है, तो उस रेज को जो हॉरिजॉन्टल रेज कट कर देता है और वर्टिकल लाइट पास करता है, ये पोलराइज फिल्टर काम करता है और उससे रिड्यूस ग्लेयर होता है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है उससे, ये पोलराइज सनग्लास का काम होता है। ओके सर, किसी और को अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब लाइव पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर, और एक क्वेश्चन है, व्हाट टिंट सनग्लासेस कैन बी गिवन फॉर अफेक्टिक APHAKTIC, इसको प्रोनाउंस आई डोंट नो। APHAKTIC KTCI अफेक्टिक होगा शायद। हाँ शायद, यस, हाँ अफेकिक। अफेकिक में हमने बताया, मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया था, ब्लू ब्लू लेंसेस हम दे सकते हैं पर जनरली वो आउटडोर के लिए रिकमेंडेड नहीं होते हैं। अभी अफेकिक में क्या है कि इंटीरियर हमारा जो आई का लेंस है वो नहीं होता है, तो उस केस में लाइट काफी ज्यादा इंसर्ट अंदर जाता है आंख में, तो ब्लू रेज जो है वो हमें ब्लू लेंस जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ओके सर, दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया और इतना अच्छा वर्कशॉप लिया यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा। थैंक यू।
थैंक यू यस थैंक थैंक यू सो मच ISDT की तरफ से। थैंक यू। और ISDT के और कोई कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए या फिर और ऐसे अच्छे वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड करने के लिए हमारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखेंगी, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू थैंक यू।